हेलो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतीय नॉलेज में। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सपने में मक्खन खाना कैसा होता है, सपने में मक्खन देखना कैसा होता है, सपने में मक्खन मथना कैसा होता है और सपने में जो है मक्खन से घी बनाना कैसा होता है। सारी जानकारी विस्तार से इस छोटे से वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। अब चलिए बात कर लेते हैं, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में मक्खन देखना शुभ सपना माना जाता है या अशुभ सपना माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अगर आप मक्खन देखते हैं तो ये बेहद ही मंगलकारी सपना माना जाता है, लेकिन कुछ अवस्थाओं में ये सपना अशुभ भी हो सकता है। चलिए इन्हीं अवस्थाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारी जो पहली अवस्था होती है उसमें हम जैसे मक्खन को देखते हैं, रखा हुआ मक्खन हमने व्हाइट कलर का देखा है तो ये मंगलकारी सपना होता है। ये हमको जो है आने वाले दिनों के लिए संकेत देता है कि हमको आने वाले दिनों में जो है सफलता प्राप्त हो सकती है। जिस भी कार्य में हम लगे हुए हैं या आने वाले समय में जिस कार्य की हम आधारशिला रख रहे हैं, आने वाले दिनों में हमें उस कार्य में काफ़ी हद तक सफलता देखने को मिल सकती है। ये सपना इस बात की ओर संकेत करता है। वहीं अब बात कर लेते हैं, सपने में यदि हम मक्खन को खाते हैं तो इसका बेहद ही बढ़िया परिणाम हमें मिल सकता है देखने को। आने वाले समय में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। इसके अलावा आपके मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। पॉलिटिक्स वगैरह में अगर आप इंक्लूड हैं और पॉलिटिक्स में आप जो है अपना हाथ आजमाना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में आपका भाग्य आपके साथ होने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले आगामी चुनाव वगैरह में आपको जो है सीट वगैरह आराम से मिल जाए। वहीं अगर ये सपना कोई प्रेग्नेंट स्त्री देखती है तो उसके लिए बेहद ही बढ़िया सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में उसको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। ये सपना इस ओर संकेत करता है। अब बात कर लेते हैं, सपने में जो है दूध से मक्खन बनाने का क्या मतलब होता है, सॉरी दही से मक्खन बनाने का। अगर यह प्रोसेस कोई स्त्री देखती है तो बेहद ही बढ़िया सपना माना जाता है। इसका मतलब होता है आने वाले दिनों में उसके जीवन में प्रेम संबंधों का मधुर होना। आपसी प्रेम संबंध काफ़ी हद तक मधुर होंगे। अगर पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं तो आने वाले दिनों में उनके लड़ाई झगड़े शांत रहेंगे और घर में जो है शांतिपूर्वक माहौल रहेगा और आपसी जो है संबंध काफ़ी मधुर हो जाएंगे। ये सपना इस ओर संकेत करता है। अब बात कर लेते हैं, सपने में जो है अगर आप ब्रेड वगैरह पर मक्खन रगड़ के खा रहे हैं और उसका काफ़ी हद तक आप आनंद भी उठा रहे हैं, अगर यह सपना आता है, जिस भी जातक को यह सपना आता है, बेहद ही मंगलकारी सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में अभी तक का जब तक आपने अभी तक सपनों के बारे में जाना है तब से अब तक जो है आने वाले दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल सकता है। यह सपना आने वाले दिनों के सुकून को प्रदर्शित करता है, मानसिक शांति का ये प्रतीक सपना माना जाता है। वहीं अब बात कर लेते हैं, सपने में जो है आप मक्खन से घी बनाते हुए देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। जिस भी जातक को यह सपना आता है मंगलकारी सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर रोग वगैरह है आपके शरीर में तो आने वाले दिनों में उससे भी आपको निजात मिल सकती है। प्रेग्नेंट अवस्था प्रेग्नेंट महिला देखती है तो उसको जो है पुत्र प्राप्ति के जो है योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं, सपने में जो है आप मक्खन को फफूंद लगा हुआ देखते हैं या उसमें कीड़े वगैरह देखते हैं, ऐसा कुछ स्थिति अगर आपके सपने में दिखाई देता है जिसमें आप देखते हैं कि मक्खन ख़राब हो रहा है, उस पर कीड़े वगैरह हैं या बहुत सारी मक्खियां हैं या बहुत सारी फफूंद है या गंदगी मक्खन के ऊपर जमी हुई है, ऐसे ही अगर सपना आपको आता है तो ये सपना मंगलकारी का प्रतीक माना जाता है। ये आने वाले मुसीबतों को बढ़ाने वाला सपना माना जाता है।